दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी क्या सतना विधानसभा से 2023 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को जानने के पहले यह बताना चाहता हूं कि भाजपा द्वारा उम्र की सीमा तय करने के बाद भाजपा नेताओं को लगने लगा है कि शंकर लाल तिवारी अब मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हो गए हैं। पार्टी उन्हें अगले चुनाव में टिकट नहीं देगी। एक कारण यह भी है कि तीन बार शंकर लाल तिवारी विधायक चुने गए, तीनों बार प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, फिर भी चौथी बार शंकर लाल के चुनाव हार जाने का कारण कहीं तो कोई कमी शंकर लाल तिवारी में थी, जिस कारण जनता ने उन्हें नकार दिया। आज भले ही वह फिर से अपनी सक्रियता बढ़ाने में लगे हुए हैं, मगर पार्टी लाइन में कई ब्राह्मण नेता सतना विधानसभा के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए काफी सक्रिय हो गए हैं, जिसमें रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा, श्रीराम मिश्रा भी मन ही मन टिकट की आस लगाए हुए हैं। अब बात कर रहे हैं भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी की। नरेंद्र त्रिपाठी का वैसे तो जन्मदिन होटलों में मैरिज गार्डन में मनाया जाता था। उसकी व्यवस्था शायद सतना सांसद द्वारा की जाती थी। यह बात नरेंद्र त्रिपाठी के पहले कार्यकाल की मैं करने जा रहा हूं। नरेंद्र त्रिपाठी दूसरी बार भाजपा के जिलाध्यक्ष बने हैं। सतना सांसद नहीं चाहते थे नरेंद्र त्रिपाठी दूसरी बार पार्टी के जिलाध्यक्ष बने, मगर इसके बावजूद वह जिलाध्यक्ष बन गए। अब सवाल उठता है, सतना सांसद किसको चाहते थे? सांसद के अपने निजी कार्यालय में एक संघ के पूर्व प्रचारक नौकरी करते हैं, जिनका नाम है सतीश। सांसद अपने इस कर्मचारी को सतना भाजपा जिलाध्यक्ष बनवाना चाहते थे, मगर ऐसा नहीं हो पाया। इस बार भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी ने लगभग 100 जगहों पर जाकर अपना जन्मदिन मनवाया। मनवाया शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी तैयारियां कई दिनों से कराई जा रही। एक कारण और भी है, जिस कारण लोगों में जन्मदिन मनाने का उत्साह उबाल मार रहा था। अभी जिला भाजपा की कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई है, सामने नगर निगम के चुनाव भी है, किसी को पार्षदी चाहिए तो किसी को महापौरी। मगर एक बात समझ में लोगों के नहीं आ पा रही है कि सतना विधानसभा से बाहर अमरपाटन में मंत्री राम खिलावन पटेल ने नरेंद्र त्रिपाठी को माला पहनाया और केक कटवाया। यानी जो कार्यक्रम, जन्मदिन के कार्यक्रम पिछले कार्यकाल में होटलों में होते थे, वे इस बार अमरपाटन में हुए। अब यह कार्यक्रम सांसद के कहने पर मंत्री राम खिलावन पटेल ने कराए या खुद मंत्री ने? अगर खुद मंत्री ने यह कार्यक्रम कराए तो फिर कहीं न कहीं प्रतिद्वंदिता बन चुकी है। नरेंद्र त्रिपाठी को जन्मदिन की मेरे द्वारा बधाई और विधानसभा की अग्रिम शुभकामनाएं।